हरिणी की वजह से क्या फिर एक होना पड़ेगा सभी और ईशान को? वेल, आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से जहां सभी ईशान के बीच में तलाक की बात चल रही थी, तो वहीं हरिणी को होश आ गया है। अब हरिणी की वजह से हम देख रहे हैं कि सभी और ईशान दोनों करीब आते जा रहे हैं, लेकिन इन सब में रीवा जो है वो बुरी तरह से बौखला चुकी है। चलिए बताते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में क्या, कैसे और कब होने वाला है। भाई, सबसे पहले आज का ट्रैक आप देखेंगे किस तरह से सभी ईशान दोनों के दोनों बेहद खुश है क्योंकि हरिणी को होश आ गया है। जैसे ही सभी हरिणी से मिलने जाती है, सभी खुश हो जाती है, सभी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वहीं पर ईशान जो है वो भी हरिणी को देखकर खुश है। अब आप देख सकते हैं कैसे हरिणी जो है सभी ईशान को देखकर बेहद खुश होती है और बार बार ईशान से यही कहती है, ईशान सर, आपने मेरी सभी का ध्यान रखा, आप हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और स्पेशली सभी की जिंदगी में। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसको लग रहा है कि सभी और ईशान दोनों बहुत खुश हैं। वहीं पर हरिणी को ये पता ही नहीं है कि सभी ईशान के बीच में आखिर चल क्या रहा है। अब सभी को आप देख सकते हैं कितना परेशान है वो, उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि वो बताना चाहती है हरिणी को कि किस तरह से ईशान और सभी के बीच में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हरिणी की तबीयत देखकर कुछ बता नहीं पाती। अब आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों साथ में बैठे हैं जहां हरिणी सभी बातें करते हैं। अब हरिणी सभी से काफी सारे सवाल पूछती है और कहती है कि तुझे तेरे घर वालों ने अपना तो लिया ना, पहले नहीं अपनाया होगा लेकिन अब तो अपना लिया होगा। सभी चुप है। सभी को पहले के मोमेंट याद आते हैं क्योंकि हरिणी यहाँ शादी की रस्मों को लेकर भी सवाल करती है, तो सभी को वो मोमेंट याद आता है कि कैसे सभी और ईशान की शादी की रस्में हुई थी। ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ ईशान जो है डॉक्टर के पास बैठा हुआ है, जहाँ पर वो डॉक्टर से बातें करता है, तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर हरिणी को फिर से कोई मेंटल स्ट्रेस दिया गया तो फिर से वो कोमा में जा सकती हैं या उनकी हालत और खराब हो सकती है। अब जैसे ईशान डॉक्टर से ये बात सुनता है, ईशान फिर से घबरा जाता है। उसको लगता है कि अब फिर से हमें ये सच नहीं बताना चाहिए। अब दूसरी तरफ ईशान सभी फिर से साथ में खड़े हैं, जहां सभी बात बताने की कोशिश कर रही है हरिणी को और ईशान को भी यही बोलती है, लेकिन फिर ईशान जो है वो कहता है कि नहीं, हम ये बात उनको नहीं बता सकते क्योंकि अभी मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, कोई भी मेंटल स्ट्रेस उन्हें नहीं दे सकते। जिसके बाद सभी ईशान की बातों पर रुक जाती है क्योंकि सभी को याद आता है कि सभी जैसे ही हरिणी को कुछ बताने वाली होती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो हरिणी तुरंत टेंशन में आ गई थी और उसने तुरंत सर पे हाथ रख लिया था। अब ऐसे में कहीं फिर से ईशान सभी को मजबूर होकर रिलेशन को आगे तो नहीं बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इन सब में रीवा क्या करेगी? क्योंकि जिस तरह ईशान सभी हरिणी अंदर रूम में बैठे हुए थे, तो रीवा जो है बाहर से ताका झांकी कर रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आप क्या कहना चाहते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर कमेंट करके बताइए। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।